हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद ओएसपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे हैं और खाटू श्याम की अपनी एक कहानी है, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। दरअसल मान्यता है कि श्री कृष्ण बर्बरी के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए थे और वरदान दिया था कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपने माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और तीन अमोद बाण प्राप्त किए। इस प्रकार तीन बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बबरी को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर तीन बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बबरी के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकारी उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र तीन बाणों से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुन बबरीक ने उत्तर दिया कि मात्र एक बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस टूर्नीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण और बबरीक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष की सभी पत्तों को बेद कर दिखलाओ। बबरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को बेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्विक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा दीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भी बेद देगा। इसके बाद कृष्ण ने बालक बर्विक से पूछा कि वो युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्विक ने अपनी माँ को दिए गए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा, उसी को मैं अपना साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीस का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है, इसलिए ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में अवगत कराने की प्रार्थना की।
और वास्तविक रूप में कृष्ण ने दिए दर्शन, ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बबरी को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसीलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बबरी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बबरी को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था, इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, इसीलिए उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। बर्बरीक का शीश राजस्थान राज्य के सीकर जिले के नज़दीक खाटू नगर में दफनाया गया, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार देखा गया कि गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहाती थी। बाद में खुदाई के बाद वो शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द दिया गया। मान्यता के अनुसार एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर के निर्माण के लिए यह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और तब से यही मान्यता चलती आ रही है और लोग वहाँ पर इस मान्यता को और अपनी मन्नत मांगने के लिए हजारों लोग साल में जाते रहते हैं। तो यह थी बर्बरीक की कहानी और जैसा कि ये सारे ही लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था मंदिर में जाने के लिए कर रखी है। अलग अलग लाइन में बना के लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं दर्शन के लिए, झंडे हाथ में लिए हुए, नारे लगाते हुए बाबा के, और आगे मंदिर की वो बढ़ रहे हैं और ये बाबा के दर्शन के लिए बहुत ही भीड़ जो हमें दिखाई दे रही है। एक साथ काफ़ी लोग दर्शन करते हैं और इधर से जो रास्ता दिखाई देता है इधर से और दूसरी तरफ से लोग निकलते हैं। सभी लोग हाथ ऊपर करके बाबा की जय जयकार कर रहे हैं और इस प्रकार हाथों में गुलाब लेके बाबा को चढ़ाने के लिए गुलाब का फूल हाथों में, और
ये दर्शन सभी लोग बाबा के दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों तरफ से लाइनें आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।